फीडबैक का अचानक डायग्नोसिस उसके लिए तो स्ट्रेसफुल था ही, लेकिन एज ए फैमिली हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त था। लेकिन हम सब ने यही मिलकर डिसाइड किया कि हम इसका साथ देंगे, सो सपोर्ट करेंगे एज ए फैमिली। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मनी बाज है, बेहतरीन तरफ है, गाबजन है, बेहतरीन बुरी है, अल्लाह ने उसको बहुत करम किया है। और हम सब सबसे ये गुजारिश करते हैं कि इसके लिए आप सब मिल के दुआ करें कि जल्द ठीक हो गए, कि हम वापस हमारे साथ और वही पुराना इसका जो रूटीन था वो नॉर्मल वापस आ जाए और अपने स्टेट। जब भी मुनीबा फील करती थी, डाउन फील करती थी, तो हम उसे ही चेयर अप करते और यही समझाते कि ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा और तुम इसका डट कर मुकाबला करो, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी तो तुम जल्द सेहतियाब हो जाओगी। और सब पूरा घर उसके लिए दुआएं करता था और उसके दोस्त और उसके टीचर्स और सब ही उसका जो है बहुत ख्याल करते थे, हर वक्त जो है वो अल्लाह से दुआ कर रहे होते थे कि मुनीबा जल्द सेहतियाब हो जाए। और इंशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर हो गई और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से बेहतरी होगी इंशाल्लाह। हे मुनीबा, आई होप यू गुड। ऑनेस्टली यू बीन एन अमेजिंग फ्रेंड एंड आई रियली लव द वे यू चीयर अस अप व्हेन वी आर लो। उसके बाद फर्स्ट टाइम आई गेस हम एसएस के बेसमेंट में मिले थे जब एग्जाम चल रहे थे और सब साथ बैठे हुए थे, तुम हमारे साथ आके बैठी थी एंड देन वी जस्ट सेटेड ऑफ एंड इट्स बीन अ रियली गुड टाइम सिंस देन। और जब तुम अपने कैंसर सर्वाइवल स्टोरी के बारे में बताया था तो ऑनेस्टली मुनीबा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड डेफिनेटली लूज ऑल द होप्स, बट आई ऑट टू से दैट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल आई नो एंड यू आर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मेनी पीपल आउट देयर, सो स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। Hello, Assalamu Alaikum. I'm Sadia, Muniba's friend. I met Muniba at IOPN. We are friends since we were in first semester. Although Muniba is a cancer survivor, but she is the most positive person I've ever seen. There is always a smile on her face. She's a girl with a golden heart. Her positivity inspires me the most. So Muniba, I love you so much. Stay safe. Hello, Muniba. So first time I guess हम लोग इस्लामिया की क्लास में मिले थे first semester में। उस वक्त तक मैं तुम्हें जानती नहीं थी और इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम कैंसर सर्वाइवर हो, बट ग्रेजुअली हम इस्लामियात में साथ बैठना शुरू हुए और मेरी तुमसे बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई, तो मुझे पता चला कि आप कितनी अच्छी इंसान है। नो बट ऑन ए सीरियस नोट यार, तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है ना माशाल्लाह से, या तुम्हारी जो पॉजिटिविटी है वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, सबसे ज़्यादा एडमायर करती है तुम्हारे बारे में। क्योंकि जिस भी सिचुएशन से तुम गुजरी हो ना, अगर कोई भी दूसरा बंदा तुम्हारी जगह पे होता तो आई गेस वो इस सिचुएशन को इतना कामली या इतना पॉजिटिवली नहीं टैकल करता। जो स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है ना चीज़ों से लड़ने की या किसी भी सिचुएशन से कोप अप करने की, वो बहुत एडमायरिंग है। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट हेल्थ। अपना ऐसे ख्याल रखो और मेरी दोस्त हमेशा रहना। ओके, बाय। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स जो मेरे पास आए उनको मैं उनकी सलाहियत के मुताबिक क्लास में प्रोजेक्ट्स दूँ। मैंने उनसे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मुनीबा से पूछा कि व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी और किस बात काम आप काम करना चाहती हैं आगे, तो शी वॉज़ वेरी बोल्ड इन टेलिंग मी दैट आई हैव blood cancer and I would like to do something to promote this cause. So I was pleasantly surprised ke she was very bold and confident aur isi baat ko maine unko highlight kiya ke you make this your class project ke even if you are going through such a traumatic problem but you can spend a normal life like normal people, और इसी चीज़ को आप highlight करें। And I also promoted her कि आप उसको normal life की तरह अपनी life गुजारें और अपना cause को जो है वो strong करें, which is related to yourself। ये मैं हर student को यही कहता हूँ कि आपके एक अपना cause होना चाहिए, which should be part of your life, और जो आपकी learning है वो भी part of your life होनी चाहिए।
that's how I appreciated and promoted her to take this project, and good luck with her, and hopefully दूसरे लोग भी इसको देख के एक जो लोग अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके एक टेंशन में और डिप्रेशन में चले जाते हैं, होपफुली दे विल रियलाइज के लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स बट यू हैव टू हैंडल देम, डील विद देम एंड गो अहेड विद योर लाइफ. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीबा है और आज मैं आप लोग से अपनी लाइफ डिस्कस करूँगी कि मैंने कैंसर के बाद अपनी लाइफ किस तरह रिज्यूम की. 2018 में मैंने IBM में एडमिशन लिया था, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था. उसके बाद मैंने अपने सेमेस्टर फ्रीज करा दिया था. फ्रीज कराने के बाद IBM ने कहा था कि जब मैं रिकवर होने स्टार्ट करूँगी तो मैं वापस से अपनी स्टडीज़ रिज्यूम कर सकती हूँ. रिज्यूम करने के बाद 2019 में जब मैं रिकवरी फेज में थी तो मैंने अपनी स्टडीज़ रिज्यूम करने का डिसाइड किया और मैंने एडमिशन लिया. शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं किस तरह दोस्त बनाऊँगी, किस तरह कोप अप करूँगी, किस तरह अपना स्टेमिना बिल्ड करूँगी, क्योंकि मैं फिज़िकल चेंजेस से गुजर रही थी, लोग मुझे किस तरह देख के रिस्पॉन्ड करेंगे. पर मैंने काफ़ी अच्छे लोग देखे, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स देखा, मुझे बहुत अच्छे सच्चे दोस्त मिले और बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने बहुत लीनियंट मेरे साथ बिहेव किया, जिन्होंने कभी मुझे स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं किया, जिन्होंने कभी डांटा नहीं या कभी भी इंसल्ट नहीं की. उन्होंने मुझे हमेशा प्यार से समझाया कोई भी गलती हुई या कुछ भी, और क्योंकि उन्हें पता था कि मैं क्या चीज़ से गुजर रही हूँ. उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा हेल्प की है, और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ IBM से. IBM ने मेरी बहुत हेल्प की है इस मुश्किल स्टेज में. थैंक यू सो मच IBM फॉर दिस अमेजिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज़ आई हैव मेनी मोर इयर्स टू स्पेंड. थैंक यू सो मच.